मैं बिल्कुल यहीं से बात शुरू करना चाहूंगी जहां पर नकुल के फिल्म ने इतने सुंदर तरीके से हम लोगों को छोड़ा है, क्योंकि बहुत सारे सवाल जो इश्यूज हैं वो बढ़िया से आपके सामने रखे गए हैं। लेकिन मैं एक बात मैं सोचती हूँ कि मैंने आज मैंने पिछले दो तीन दिनों में यही तो कहानी सामने आ रही, जो मेरठ वाला जो केस था, जो एक तरह से सेंटर शो पीस है, जो सेंटर पीस संघ परिवार का पूरा जो तथाकथित लव जिहाद एग्जिस्ट करता है, इसे साबित करने के लिए उनके पास यही केस थी। और वो केस आज हम लोगों के सामने एकदम बेपर्दा होकर के खड़ी है कि वो एक प्रेम कहानी थी। ऐसी प्रेम कहानियां ढेर सारी होती हैं हम लोगों के सोसाइटी में, जहाँ पे आमतौर पे जैसे ही गैर मतलब किसी गैर जाति में या गैर समुदाय में जब होने लगती है इस तरह की प्रेम या शादी की बातें, और इसमें समझिए इस लड़की के लिए और बोलना और भी कठिन था, क्योंकि प्रेगनेंसी इन्वॉल्व थी, एक अबॉर्शन इन्वॉल्व था, उन सब चीजों के बारे में एक तरह से इज्जत से जोड़ करके वो जो इज्जत की टोकरी है वो सारा बर्डन उसके और उसके परिवार पर है, तो वो एक तरह से उसके बारे में सच्चाई मत बोलो, आप एक सहमति से प्यार को ही तुम बलात्कार का नाम दो। ये दबाव लड़कियों पर होता है, इसको हम लोग आए दिन डेली देखते हैं। दिल्ली शहर में 40% जितने रेप कंप्लेंट्स हैं, 40% रेप कंप्लेंट में लड़की नहीं कह रही कि मेरा बलात्कार हुआ, लड़की कह रही मैंने प्यार किया और भाग के चली गई किसी लड़के के साथ या मेरा सहमति से रिश्ता था। माता पिता ने रेप और अबडक्शन की केस लगाई, ये समझ लीजिए कि ये इस हद तक हास्यास्पद हो जाती है। जो अगर प्रतीक्षा बख्शी की नई किताब रेप पर आप पढ़िए तो उसमें एक कहानी है, उसमें रेप ट्रायल से बहुत ही बढ़िया किताब है, उसमें है एक कहानी एक महिला की, उससे उसके पति से बात करती है प्रतीक्षा बख्शी, जहां पर वो लड़के पर यानी पति पर उस महिला के बलात्कार करने और उसको अटैच करने का किडनैप करने का आरोप है, केस चल रहा है, और लड़की पर भी आरोप है, उस पर भी केस चल रहा है, किस बात का कि तुमने आपने ही बलात्कार और आपने ही किडनैपिंग में तुम सहयोगी थी। ठीक है, ये हद है, ये हमारी सोसाइटी में ये हो सकता है, ये संभव है, हमारे कोर्ट्स इसको देख करके मजाक उड़ा करके फेंकने देते हैं बाहर, ये हालत है हम लोगों की। ऐसे हालात में जिस तरह के समाज में सच में मत बोलो सहमति से रिश्ते को, प्यार को तुम बलात्कार कहो, ये दबाव बनता है। लेकिन अगर लड़की स्ट्रांग होती है, लड़का स्ट्रांग होता है, वो लोग आपस में प्यार जो है वो करते हैं, शादी कर लेते हैं, तो आमतौर पर कुछ दिनों के बाद माँ बाप भी मतलब कुछ मामलों में तो ध्यान होता है जिसमें मतलब खाप पंचायत लोग मिल जाए तब तो वो औरत के दिन तक चला जाए और क्या हो जाए, ये सब भी होता है। लेकिन अक्सर ये भी होता है कि माता पिता होते होते फिर तैयार हो ही जाते हैं, ठीक है रेडी हो जाते हैं। इस केस में क्या हुआ कि इस केस में तो राजनीति जुड़ गई और उसके पिता को पैसे मिले ये कहने के लिए कि तुम्हें हम पैसे दे रहे हैं और तुम जो है अपना ये लड़की से कहलवाओ कि उसका साथ लव जिहाद हुआ, 40-40 लड़कियों के साथ मदरसे में रख करके कहेंगे पूरा है कन्वर्जन हो रही, क्या क्या बकवास कहा गया। आज सब कुछ पता चल रहा है कि भाई वो प्रेम कहानी थी, और आज जब वो लड़की सामने आकर के कह चुकी है कि नहीं मेरे पिताजी को पैसा दिया गया, मुझ पर दबाव है, मैं दबाव नहीं मानना चाहती, मैं रहना चाहती हूँ मेरे चहेते मित्र के साथ में, उनसे शादी करना चाहती हूँ, तो अब उनके पिता कह रहे हैं कि शादी हो जाए मुझे कोई दिक्कत नहीं, जो शायद पहले ही हो जाता। लेकिन कौन कह रहा है कि नहीं, हिंदू बेटी बचाओ संगठन है वहां कोई जो कह रहा है कि हिंदू बेटी को हम जो है किसी मुस्लिम के हाथ में नहीं देने देंगे। कौन होते हो नहीं देने देंगे, हिंदू सारी लड़कियां किसी हिंदू बेटी संगठन जिसमें कोई बेटी नहीं है, सब बाप बन के रहेंगे हिंदू बेटियों की, और वो कहेंगे कि हम तय करेंगे कि तुम्हारा कन्यादान कहाँ करेंगे नहीं करेंगे, ये क्या क्या कहाँ का कल्चर है। यानी वो अपने समुदाय की ये कह रहे थे कि हमारे समुदाय की लड़कियां विक्टिम है गैर समुदाय द्वारा दबाव और हिंसा और रेप और क्या क्या की, यहाँ दबाव कौन डाल रहा है, यहाँ हिंसा कौन कर रहा है। इतने दिनों से इसको समझिए कि जो लड़की जो बोली शुरू में जो बोली ये क्यों बोली है, जो पहला उसने बयान दिया ये तमाम चीजें बोली, ये समझिए कि ये भयानक टॉर्चर उस महिला के साथ हुआ। टॉर्चर का मतलब मैं आई एम नॉट यूजिंग वर्ड लाइक, इसको समझ लिया जाए कि ये जो घर के अंदर होती है, आमतौर पर अगर हम घर कहते हैं तो बड़ा अच्छा सा शब्द लगता है, लेकिन घर जो है अक्सर महिलाओं के लिए पहला जेल होता है। जैसे ही आपने अपने अस्तित्व को वहां रखने की कोशिश की, खास करके अगर आपने अपने जो सेक्सुअल संबंध है जो प्यार है उससे कहीं से भी जाति की बॉर्डर तोड़ने की कोशिश की,
और इसको खुल करके लोग कहते हैं, विश्व हिंदू परिषद है, बाबू बजरंगी है बजरंग दल का वो गुजरात में, उनका आप इंटरनेट पर सर्च करके देखिए क्या क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि हर घर में एक बॉम्ब है। कौन है वो बॉम्ब? बेटी है, कभी भी फट सकती है और उससे हमारा पूरा समुदाय पूरा समाज फट जाएगा। क्यों मानते हैं सही में कि जो आपके मतलब जातियां हैं और समुदाय हैं उनके बॉर्डर्स पे महिला की शरीर है, और अगर उन्हें बॉर्डर्स की आपने पॉलिसी नहीं की, महिला पर टाइट कब्जा नहीं रखा तो जातियां खत्म हो जाएंगी ना। अगर महिलाएं मनमर्जी तरीके से शादी करेंगी, जाति तोड़ के शादियां होने लगेंगी तो कौन सी जाति बची रहेगी? जाति तो बचेगी नहीं। इसीलिए ये पूरा ये समाज है, लेकिन इसमें जो सामाजिक परिप्रेक्ष्य है उसमें ये राजनीति जो है वो एक्सपर्टली खेल रहे, इसको समझा रहे समाज में। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि इसमें सिर्फ पीएचपी वाले ये कहते हैं, नकुल ने बिल्कुल ठीक किया कि हर समुदाय के लोग, इवन माइनॉरिटी कम्युनिटी के कोई भी कम्युनिटी को, यहाँ तक कि दलित समुदाय के जो वहां के ठेकेदार होते हैं उनको लगता है हमारी बेटियों पर हमें कंट्रोल रखना चाहिए, ये बिल्कुल सही बात। लेकिन इसमें जो ये राजनीतिक ताकतें जो इसको ये जो स्वाभाविक तौर से टूट रहा है या जो लोग स्वाभाविक तौर से प्यार करके इन सब चीजों को धक्का बना रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं इस पे, ये उनके लिए बेमानी हो जा रहा है। धीरे धीरे से ये चीजें बदल गई, उस बदलाव न हो और बल्कि ये जो एंग्जाइटी है उस बदलाव को लेकर के जो माता पिता घबरा जा रहे हैं परेशान हो जा रहे हैं उसको खेल करके उसको यूज करके दंगा भड़काया जाए, उसको यूज करके वोट जो है बटोरा जाए और एक तरह से पूरे समुदाय को सुनने का एक कम्युनिटी के नाम पे यानी हिंदू समुदाय के नाम पे मोबिलाइज किया जाए। यहाँ तक कि क्रॉस कास्ट मोबिलाइजेशन वो कोशिश करते हैं दलित समुदाय को भी यही समझाएं कि तुम हिंदू हो और तुम्हारी बेटी पर मुस्लिम्स का नजर है। ये जब पॉलिटिक्स जुड़ जाता है इसमें तो आप समझिए कि ये जो घरेलू हिंसा है जो लड़कियों पर होता है जब वो अपना अपनी मर्जी से प्यार करना चाहती हैं उस घरेलू हिंसा पर कितना और भयानक दबाव पड़ जाता है। इस लड़की के लिए तो क्या बहाल होगा आप सोचिए कि घर वालों का दबाव अपनी जगह, उसके बाद में ये नेशनल न्यूज पे चल रहा है, उसका केस जो है वो एक मेजर इस तरह का केस बन गया है, उसके खिलाफ अब बोलना तो भंडाफोड़ करना हो जाएगा। वो तो एक तरह से पूरा अपने एक देश के रूलिंग पार्टी यानी ये सिर्फ कोई पेरेंट्स नहीं, यहाँ तक कि सिर्फ कोई खाप पंचायत भी नहीं, ये देश की रूलिंग पार्टी सामने खड़ी है और एक ये लड़की अकेले खड़ी है अपने घर के अंदर पूरी तरह से। जब नेहा दीक्षित मिलने गई है उसको किसी बहाने से अंदर जाना पड़ा क्योंकि वो कैद है घर के अंदर। मुझे याद आती है आलोक धनवा की वो सुंदर कविता भागी हुई लड़कियां जिसका पहला लाइन ये है कि कितने ज्यादा दिखाई पड़ती है घर की क्या है घर की जंजीरें, जब कोई लड़की जब एक लड़की घर से भागती घर की जंजीरें ऐसे नहीं दिखाई पड़ती, लेकिन जब कोई घर लड़की घर से भाग जाती है तब वो जंजीरें दिखाई पड़ने लगती है कि हाँ जंजीरें थी, हाँ वो जेल था वो घर। लोग कहाँ से भागते हैं? जेल तोड़ के लोग भागते हैं, ऐसे तो भागते नहीं है। इसीलिए अगर घर जेल बन जाए तभी तो लोगों को भागना पड़ता है, भाग करके शादी भी करनी पड़ती है, भागना क्यों पड़ रहा है ये बात। और उसमें अब इस पूरे ये जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें जब ये राजनीति जुड़ जाती है आप समझिए उस लड़की पर क्या होता है। अब मैं ये एक बात कहना चाहती हूँ कि ये दरअसल कोई नई स्टोरी नहीं है इस तरह की राजनीति, लेकिन एक तरफ तो है लव स्टोरीज। आप कुछ सोच लीजिए कि दुनिया की कोई एक भी लव स्टोरी आप मुझे बता दीजिए जो कहता हो जैसे भाई साहब ने अभी कहा उस क्लिप में कि लड़कियां अपने समुदाय में शादी करें, प्यार हो तो सिर्फ समुदाय के अंदर हो, माँ बाप जहाँ कहें उन्हीं से प्यार करना, ऐसी एक भी लव स्टोरी आपको याद है दुनिया की? पूरी दुनिया में किसी भाषा में कोई लव पोएम ग्रेट लव स्टोरीज ऑफ द वर्ल्ड, दे आर ऑल व्हाट आर ग्रेट लव स्टोरीज ऑफ द वर्ल्ड, लैला मजनू रोमियो जूलियट ऑल ऑफ देम आर अबाउट पीपल हु ब्रोक बैरियर्स इन ऑर्डर टू लव। वो प्यार ही क्या है जो कि जो सारे बंधनों को न तोड़ के सब बंधन तोड़ करके प्यार करो, यही तो प्यार होता है। और वो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ कि ये कोई पहला हेट स्टोरी नहीं है, ये जो लव जिहाद के नाम पर जो अभियान चला रही है संघ परिवार के लोग, ये दुनिया की पहली हेट स्टोरी नहीं है, बहुत पुरानी हेट स्टोरी है जिसमें सिर्फ पात्र कभी कभी बदल दिए जाए। मैं आपको सुनाना चाहती हूँ
हिटलर के ऑटोबायोग्राफी माइन कॉम्फ में जो लिखा गया, हिटलर की ऑटोबायोग्राफी में लिखा है, द ब्लैक हेड ज्यूइश यूथ लाइज फॉर आवर्स इन एम्बुश, अ सैटैनिक जॉय इन हिज फेस फॉर द अनसस्पेक्टिंग गर्ल हुम ही पोल्यूट्स विद हिज ब्लड एंड स्टील्स फ्रॉम हर ओन रेस, कि ज्यूइश लड़के चुरा रहे हैं क्रिश्चियन लड़की को, अपने नस्ल से चुरा रहे हैं। By every means he seeks to wreck the racial basis of the nation he intends to subdue. Just as individually he deliberately befouls women and girls, so he never shrinks from breaking the barriers race has erected against foreign elements. और फिर वो कहता है कि वो Jews ही हैं जिन्होंने Negroes को वो Germany में Rhineland में ले आए हैं, और Black लोग जो हैं वो आकर के उनको वो नस्ल खराब कर रहे हैं, Jews नस्ल खराब कर रहे हैं और Jews ले आ रहे हैं काले लोगों को जो नस्ल खराब कर रहे हैं। तो नस्लवादी राजनीति का चरम तो माना जाता था हिटलर के आर्यन रेस का जो पूरा थियरी था, तमाम चीजें थी, और हिटलर तानाशाह था, उसकी तानाशाही थी, लेकिन उस तानाशाही के एकदम दिल में बसा हुआ था, यानी उस तानाशाही किस चीज से बना हुआ था, हिटलर के तानाशाही जर्मनी का घर था, उसका फाउंडेशन स्टोन यही था कि महिलाएं जो है वो किचन में रहे, बेडरूम में रहे, ये भी उनका नारा था कि वो बच्चा संभाले, वो किचन संभाले इत्यादि इत्यादि, और उन पर उन्हें और किसी से शादी नहीं करनी चाहिए, उन्हें खतरा दिखा करके कि हमारी नस्ल खराब हो जाएगी अगर ज्यूस जो है वो शादी करेंगे। और शादी और रेप, प्यार और रेप इस कोटेशन में भी दोनों को मिला दिया गया, दोनों को फर्क नहीं आ जाता, प्यार ही से अगर कोई जिसको हमने नहीं चाहा उस लड़के ने अगर प्यार किया तो वो प्यार नहीं रेप है, ये तो मैंने माँ बाप को कहते ही है हमारे सोसाइटी जैसे मैंने कहा, लेकिन इसको एक पोलिटिकल थियोरी तक बना गया है। और इतना ही अगर आप अमेरिकन साउथ की को याद करिए कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो सदर्न राज्य थे उसमें जो नस्लवादी पूरा ये था, उसमें क्या इतने सारे ब्लैक लड़कों को लिंच मतलब पूरी मॉब मिला करके उनको पेड़ पर से टांग देती थी, क्या कह के टांगती थी, यही कह के टांगती थी कि ये सब आते हैं हमारी लड़कियों को छेड़ते हैं, हमारे यहाँ हमारे लड़कियों के साथ में बलात्कार। और मुझे ये सोच करके डर लगता है कि हाँ ये हमारे यहाँ भी होने लगा। अभी मैं पिछले महीने मैं बिहार में थी नवादा में, वहाँ के लोकल अखबारों में और इसमें कोई किसी नेशनल पेपर में नहीं आया है, मैं अफसोस कर रही हूँ कि मैंने कोई मैं कटिंग नहीं ले पाई, वहाँ पर उसी दिन हुआ मिड सेप्टेम्बर में नवादा में, जहाँ पर तीन मुस्लिम लड़कों को नंगा करके उनका फोटो अखबार में छपा हुआ था, थोड़ा सा ब्लर करके, लेकिन हर अखबार में फोटो थी कि तीन लड़के लड़कियों को छेड़ रहे थे और उनको पब्लिक ने पकड़ करके नंगा किया और पीटा, तीनों मुस्लिम थे। और उनके मैंने ध्यान से पढ़ा कि उसमें कोई किसी लड़की ने कहा है क्या कि मुझे छेड़ा, नहीं, उन्होंने ये लिखा है कि वो मंडरा रहे थे हमारे यहाँ की लड़कियों के आस पास, यानी नाउ इट्स बिकम अ क्राइम फॉर मुस्लिम यंग मैन, एंड इट हैज ऑलवेज बीन अ क्राइम फॉर दलित यंग मैन टू इवन एंटर द लोकैलिटी ऑफ द डोमिनेंट कम्युनिटी, कि वो वहां घुसेंगे या कोई गाना चलाएंगे मोबाइल पर या मोबाइल रखेंगे, दलित लड़कों के बारे में ये था ही था, जींस पहनेंगे तो ये कहेगा कि ये जींस पहन रहे, किसने दी इजाजत जींस पहनने की इत्यादि, ये सब कह करके कि ऐसा करके वो हमारे यहाँ की लड़कियों को फंसा रहे हैं, फंसा करके वो हमारे कास्ट को हमारे समुदाय को हमारे देश को सब्यू करना चाह रहे हैं, ये कॉन्स्पिरेसी है ये बता करके इस तरह के लिंचिंग हो रही है। और इसमें मैं यही सोच करके मुझे अच्छा लगता है लेकिन कि ये अमेरिकन साउथ की जो फेमस कहानी है नस्लवाद के बारे में टू किल अ मॉकिंगबर्ड, बहुत सुंदर नॉवल है, जरूर खोज करके पढ़िएगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा हो जरूर पढ़िएगा, मैं तो मानती हूँ कि बल्कि उसको हर भाषा हर भारतीय भाषा में होना चाहिए और हर स्कूल में उसमें बातचीत होनी चाहिए। उसमें बहुत सुंदर उसमें बेसिकली यही है कि एक सफेद नस्ल की लड़की एक ब्लैक आदमी को किस करती, लेकिन नाउ दैट शी हैज किस्ड हिम, लेकिन वहां पर इस किस को हाँ ये सहमति से था मैंने किया ये कहना असंभव, इसको रेप ही कहना होगा, तो उसका बाप आकर के उसको मारता होता, बल्कि बाप ऐसा है जो बेटी के साथ में खुद बलात्कार कर रहा होता है, सेक्सुअली अब्यूज कर रहा होता है, लेकिन उस लड़की वो लड़की समाज ऐसा है जिसमें ये सच्चाई सब जानते हैं। इट्स एग्जैक्टली लाइक प्रतीक्षा गुरुपक्षी जो किताब का टाइटल है पब्लिक सीक्रेट्स ऑफ द लॉ कहती है रेप ट्रायल्स के बारे में,
कि जब पब्लिक सीक्रेट सब जानते हैं कि रेल नहीं, सब जानते हैं कि जरूरी था, लेकिन इस पब्लिक सीक्रेट को सबको रखनी होगी, ये कहना होगा कि रेल था, सब जानते हैं। इस मेरठ वाले मामले में भी वहां जितने लोग गए, सिर्फ पत्रकार नहीं, जितने लोग गए हैं सब बोले हैं कि सब लोग जानते हैं वो प्यार कहानी थी, प्रेम कहानी थी, किसी से छिपा हुआ नहीं, पब्लिक सीक्रेट। लेकिन आपको कहना तो सब कह नहीं सकते, हम कॉल एंड ट्रेप अगर उसको पब्लिक की आप आर्टिकुलेट करें कि प्रेगनेंसी हुई अबॉर्शन हुआ तो आपको कहना पड़ेगा बलात्कार। इसको आप ये कह ही नहीं सकते कि सहमति से दो लोगों के बीच में संबंध हुए और शादी करना चाहते हैं, प्यार है क्या। लेकिन उस कहानी में To Kill a Mockingbird में जब उस लड़की को मौका मिलता है, उस लड़की को कहा जाता है बहुत ही सिंपल तरीके से कि तुम सच्चाई बोल दो, बोल डालो सच्चाई, वो सोचती है, परेशान होती है, उस पर नहीं बोलती है, फिर कहती है नहीं मैं जो कुछ भी हूँ मैं वही वही झूठ कहती है, जिसके आधार पर एक काले लड़के को सजा होती है, वो मार दिया जाता है, बाद में मर जाता है, मार दिया जाता है। तो आज के देखिए मेरठ, उस लड़की का नाम मेयला यूएल है, मुझे लगता है कि मेरठ की मेयला लेकिन उसने कुछ और किया, वो भी किसी को उम्मीद तो प्रबंधित करना ही कठिन था कि उस हालातों में वो बोलेगी, इतनी हिम्मत करेगी, घर से निकलेगी और सच्चाई बोल डालेगी, सच्चाई बयान कर डालेगी, लेकिन उसने ऐसा किया और सचमुच में ऐसा निकल ने कहा तो एकदम हमारे सलाम की बात है। अब मैं दो सीरियस बातों पे एक रखना चाहती हूँ कि आखिर आज अगर आप इंडियन एक्सप्रेस में पढ़ेंगे तो मधु ईश्वर का एक लंबा चौड़ा लेख किसी ने पढ़ा है, एक आदमी ने पढ़ा, चलिए मैं आपको बता देती हूँ। मधु किश्वर जो है वो तो अब महिला आंदोलन से पुराना नाता अपना जोड़ती हैं, लेकिन आजकल पूरी तरह से जितने महिला विरोधी चीजें हैं उनके पक्ष में लिखती हैं, चलिए बोलती हैं, हम नरेंद्र मोदी के तो बहुत बड़ी फैन हैं। तो मधु किश्वर ने क्या लिखा, मैं उनके आर्ग्यूमेंट पर जाना चाहती, क्योंकि मधु किश्वर जानती है कि वो ये तो नहीं कह सकती कि सहमति से हर प्यार का रिश्ता जो है वो लव जिहाद होता है, अगर पुरुष मुस्लिम हो और लड़की हिंदू, क्योंकि फिर क्या होगा, ये शाहनवाज हुसैन का क्या होगा, ठीक है, सुब्रमण्य स्वामी की बेटी का क्या होगा, ठीक है, सुहासिनी हैदर का, ये तमाम ने इतने सारे इंटररिलीजियस मैरिजेस खुद बीजेपी और बीजेपी के आसपास के लोगों को कहते हैं बीच में, तो वो कहते हैं कि नहीं हिंदुत्व ग्रुप्स भी ऑब्जेक्ट थोड़ी करते हैं, अगर जेन्युइन प्यार जो नॉन जेन्युइन है, जो सरप्टिशियस तरीके से होते हैं और छिपे छिपे होते हैं, वो होते हैं, वो कहते हैं कि होते हैं, और कहते हैं जैसे खाप पंचायत एक रियल थ्रेट है, वैसा ही लव जिहाद भी रियल है, पहले इसको मान लो कि सच्चाई, कैसे मान लें कि सच्चाई है, इसके लिए वो बताती हैं कि ब्रिटेन में किसे हजारों लड़कियों के साथ में पाकिस्तानी पुरुषों ने ग्रूमिंग की। मैं जब ब्रिटेन में थी तो इस पे महिला तमाम तरह के महिला संगठनों ने मुझे ये बात बताई कि आपके यहाँ लव जिहाद, हमारे यहाँ इसको रोमियो जिहाद कहते हैं, ग्रूमिंग कहते हैं, ग्रूमिंग यानी जो व्हाइट नस्ल की लड़कियां हैं उनको पाकिस्तानी लोग जो है वो तथा कथित, मतलब ये कहा जा रहा है कि उन्होंने उनको यंग लड़कियों को पकड़ करके उनको एक तरह से प्रोस्टिट्यूशन के लिए ग्रूम किया या प्यार के नाम पे फंसाया इत्यादि इत्यादि। मैंने लेकिन ये सोचा कि छोटी छोटी बच्चियों के साथ में अगर पाकिस्तानी ने किया तो आपने उसको ग्रूमिंग कह दिया। उसी समय ठीक उसी समय जब ये सब चल रहा था पीक पर, बीबीसी की एक स्टोरी आई ग्रूमिंग पे, अगर आप सोशल मीडिया पे इसकी बात कहने लगेगा तो आपको जो है वो सब परिवार के लोग हमेशा शेयर करेंगे उस बीबीसी स्टोरी को, कहेंगे कि देखिए बीबीसी ने कहा है कि लव जिहाद है, ग्रूमिंग है, मुस्लिम्स ग्रूम करते हैं, पाकिस्तानी ग्रूम कर रहे हैं, ठीक है, जिहाद की ग्रूम कर रहे हैं दूसरे मान क्रिश्चियन समुदाय और अन्य समुदाय की लड़कियों को। मुझे याद है ठीक उसी समय बीबीसी की एक आदमी के बारे में आया था जिमी सबी, जिनके बारे में खुलासा हुआ कि वो शायद 30 साल से इस तरह के मतलब पता नहीं कितने दशकों से बहुत ही फेवरेट मतलब प्रेजेंटर था वो बीबीसी का, बहुत ही वेल लव, बहुत ही पॉपुलर तमाम चीजें। जिमी सबी के बारे में ढेर सारे लोगों ने कंप्लेंट किया हिम्मत करके बहुत नहीं कि वो लोग जब बच्चे थे छोटे थे तो उनके साथ में एक नहीं दो नहीं सीरीज ऑफ बच्चों के साथ में जिमी सबी ने चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज किया रेप किया। तो जिमी सबी करेंगे और वो बीबीसी के हैं और सफेद नस्ल के हैं तो वो ग्रूमिंग नहीं कह रहा है, लेकिन अगर कोई करेगा तो मुस्लिम है तो ग्रूमिंग कहना देगा, वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के तहत होगा। ये एक तो बात समझ में आती है। दूसरी मजेदार चीज जो कहती है मधु किश्वर, वो कहती है कि प्यार वाले रिश्तों से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो कहती है कि कोई लव जो है वो दो परिवारों के बीच में प्यार होता है,
और दो परिवारों के बीच में शादी होती है, हमारे इंडियन कल्चर में, इंडियन कल्चर में दो फैमिली के बीच में शादी होती है ना, शादी जो है सेक्स की लाइसेंस नहीं है, लाइसेंस तो नहीं है, सही बात है, बिना शादी के भी सेक्स बिल्कुल जायज है, संभव है, हो सकता है और होता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें तो। लेकिन मधु जी बेचारी इसको समझती है कि जो शादी है ना, दो परिवार के बीच में शादी, तो उसके आधार पर वो कहती है कि अगर सच्चा प्यार है, अगर कोई लड़का सच्चा प्यार करता है किसी लड़की से, तो वो कभी नहीं चाहेगा कि वो अपने माता पिता की मर्जी के खिलाफ शादी करे, वो हमेशा माता पिता की मर्जी से ही शादी करे, दिल वाले दुल्हनिया ले जाए, है ना। अब ये असली में क्या होता है, अगर आप फिल्म देखेंगे लव सेक्स और धोखा, तो दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे का असली जो समझते हैं, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे वो मतलब कत्ल हो जाते हैं, जो आपने देखा किसी ने लव सेक्स और धोखा देखेगा जो, और उसमें जो लड़का सचमुच में फैन है दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे का, और इसी तरह की उनकी शादी होगा, प्यार होती है, भाग जाते हैं लड़का लड़की, और लड़की का पिता कॉल करके कहता है कि आ जाओ बेटा मैं शादी करवाता हूँ, तुम लोग के भागने की कोई जरूरत नहीं, और वो जाते हैं और दोनों मार दिए जाते हैं। ये तो हमारे यहाँ की असलियत है कि ये सब अगर मानने लगे तो जान बचाने के लिए भाग रहे हैं ना, वो कोई हिंदी फिल्म तो है नहीं, संस्कृत मधु किशोर लिख करके देंगी, ठीक है, वो तो मैंने स्क्रिप्ट तो खा पंचायत लिख दे रहे हैं, हमारे यहाँ का सामुदायिक समाज लिखता है, और उसमें तो डेथ सेंटेंस हो जाएगा अक्सर, लोग भागते हैं इससे बचने के। और दूसरी जो महिला बात को लिखती है, कुल मिलाकर के वो इस बात को कहती है कि ये एक रियलिटी है, लेकिन रियलिटी के लिए उनके पास में कोई भी सबूत नहीं। लेकिन मैं एक बात को यहाँ एड्रेस करना चाहती हूँ, अक्सर आपको लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि प्यार ठीक है, प्यार ठीक है, मैं प्यार किया कोई बात नहीं, शादी की कोई बात नहीं, लेकिन कन्वर्शन क्यों की? लड़की जो है अगर सचमुच में मर्जी से शादी है तो वो अगर हिंदू है तो मुस्लिम क्यों बने, वो रहे हिंदू ही रहे। और यहाँ मैं ये कहना चाहती हूँ कि थोड़ा सा एक मिनट के लिए कैमरे का फोकस जो है वो उन कन्वर्जन से थोड़ा सा पीछे हट जाए, जस्ट ब्रॉडन द कैनवास अ लिटिल बिट एंड सी कि जब कोई लड़की हमारे समाज में शादी करती है तो वो क्या क्या बदलती है, जब वो अपने समुदाय के भीतर शादी करती है क्या क्या बदलती है, नाम बदलती है, घर बदलती है, अक्सर मैं ये नहीं कह रही सब कुछ है जो नहीं करते नहीं करते, मैं उनके पास संभव है ना कर, लेकिन आमतौर पर ये रिवाज है कि वो घर बदलेगी, नाम बदलेगी अपना, यहाँ तक कि अपनी डाइट बदल सकती है, अगर नॉन वेजिटेरियन है वेजिटेरियन घर में शादी हुई है तो वेजिटेरियन ही ज्यादातर खाने और बनाने पकाने लगेगी, यहाँ तक कि लाइफस्टाइल। और यहाँ मैं कहूँगी जब हमने एक कार्यक्रम किया था दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो उसमें एक मजेदार चीज मुझे याद नहीं आया, किसी एक प्रोग्राम में था कुमार चक्रवर्ती ने एक मजेदार सुनाया था कि प्यार के नाम पर भी शादी के बाद में प्यार होके शादी हो गई और उसके बाद भी कई चीजें होती हैं दबाव, जैसे प्यार करके शादी हुई, लड़का लड़की भाग करके शादी कर ली, और उसके बाद में शादी के बाद में लड़का कह रहा है लड़की को कि अब तो हमारी शादी हो गई है, अब तुम जीन्स पहनना छोड़ दो, स्कर्ट पहनना छोड़ दो, तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती, जब वो उसके लिए सब कुछ घर परिवार से लड़-पिट करके निकल आकर के इतनी हिम्मत बहादुरी दिखा करके सब कुछ कर लेती, तो शादी होने पर ये चीजें बदलना, थोड़ा बिजी पहन लो मेरे लिए, मेरे फैमिली के लिए थोड़ा सिंदूर लगा लो, मुझे पता है तुम्हें अच्छा नहीं लगता, जरा सा कर लो, ठीक है, पति नौकरी है, मैं खुद इसकी गवाह, मैं खुद महसूस करती हूँ कि मैं हमारा पति पत्नी बिल्कुल राजी, मियां बीवी राजी, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं कह रहा सिंदूर लगाओ मियां बीवी, लेकिन जब आप जाते हो पूरे मतलब इन-लॉज के बीच में जिनको कुछ नहीं समझ में आता, जिनको इतना ही समझ में आता कि अगर सिंदूर नहीं है तो शादी नहीं, तो कितना दबाव लगता है, मैं बिल्कुल मुझे मैं इसमें विश्वास ही नहीं करती, लेकिन थोड़ा सा लाभ मैं लगा दूंगा कि आई स्टॉप हैविंग टू आंसर दिस टू एवरीबॉडी, ये दबाव खुद मुझे मैं महसूस की, मुझे याद है जब मैंने नई नई शादी की थी, एक प्रेशर लगता है कि कितने कहाँ कहाँ क्या करें, कई एडजस्टमेंट्स लोग करते हैं, तो ये तमाम चीजें बदलना, इस पर तो हम लोग का खून नहीं खौलता है, महिला आंदोलन इन सब चीजों पे कहता है कि हाँ महिलाएं जो है वो ना भी इन चीजों को माने और अपनी हिम्मत बढ़ाए ताकि उनको ये चीजें ना करना पड़े, लेकिन आम जो समाज है इन सारे बदलावों को तो संत परिवार कहेगा कि ये सब तो इंडियन कल्चर है, हमारा कल्चर है, नाम बदलना, घर बदलना, पति की सेवा करना, पति के लिए डाइट बदल देना, ड्रेस बदल देना, सब कुछ कर देना, अपना 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 अस्तित्व बदल लेना, ये तो भारतीय संस्कृति है भाई, तो फिर धर्म बदल लेना सिर्फ यही भारतीय संस्कृति नहीं है, बाकी सब कुछ बदलना था भारतीय, तो ये एक बात। दूसरी बात कि लोग धर्म क्यों बदलने शादी करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि धर्म उनके लिए कम मायने रखता है, आप
आदमी भी तैयार हो जाता है कि चलो भाई मैं अगर आयुष्मान में जा रहा हूँ शादी करते हैं, तो मैं घर बदल करके शादी कर लू वहां से, क्योंकि शादी प्यार मेरे लिए ज्यादा जरूरी। धर्मेंद्र जो है उनको हेमा मालिनी से शादी कर दी, तो क्या किए उन्होंने, मुस्लिम बन गए, शादी कर ली, प्यार बड़ी चीज है भाई, सब कुछ बदल सकते हैं प्यार के लिए करते हैं। तो मैं कह रही हूँ कि कन्वर्जन हुआ है या अपने आप में एक फोर्स है, ये गलत है, ये कोई ये है मिसयूज है, ये काम करो। दूसरा ये कि लोग तारा शहनेर वाला मामला जो कहते हैं, मैं अगर कोई सचमुच चीटिंग का मामला है अपनी आइडेंटिटी के साथ चीटिंग का, मैं नहीं जानती तारा शहनेर के सारे डिटेल्स, उसमें इन्वेस्टिगेशन वो चल रहा है जो भी हो रहा है, लेकिन जस्ट बिकॉज अ मैन हैज प्रिटेंडेड टू बी समथिंग एल्स, समथिंग ही इज नॉट, एंड देयर आर थाउजेंड्स ऑफ सच केसेस एवरी डे दैट वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशंस डील, जहां पे पति आदमी जो है शादी किया है ये छिपा करके कि उसका पूरा थ्राइविंग दूसरा परिवार, ठीक है, ढेर सारे केसेस, इसमें इसका कोई पेटेंट नहीं है, सब कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब इसमें भाई भाई सब कर रहे हैं, ठीक है, उसमें कोई भी ये नहीं है। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर आप ये कहेंगे कि सिर्फ ऐसे मामले आप चुनेंगे जहाँ पर मुस्लिम कोई इन्वॉल्व है और उसने अपनी आइडेंटिटी हिंदू बताई है जो भी है, हालांकि इस केस में तारा शहनेर वाले केस में ठीक वैसा है भी, ही वॉज अ हिंदू, ही ऑल्सो कन्वर्टेड टू मुस्लिम्स, एंड एवरीबॉडी न्यू दैट वेरी वेल, बट एनीवे वेयर मुस्लिम्स इन्वॉल्व वहां आपका भी इलाज है। एक मेरे परिचित ने बताया कि कुछ दलित युवाओं के साथ में हरियाणा में वो मीटिंग कर रहे थे, मीटिंग को एड्रेस कर रहे थे, और उन्होंने लड़कों से पूछा कि तुम लोगों के साथ क्या क्या अन्याय होता है, तो उन्होंने सबसे पूछा, तो लड़कों ने कहा कि यही सारी बात है कि भाई जो डोमिनेंट कम्युनिटी है वहाँ पे जा रहे हैं वो हमको ये नहीं करने देते, वो नहीं करने देते, हाँ इधर मैंने सिगरेट नहीं स्मोक करना, जो भी मतलब जो लड़के नॉर्मली करते हैं वो सब करोगे तो तुम दलितों के लिए अलाउड नहीं है, या कुछ गांव के खास हिस्सों में मोटरबाइक चलाते हुए नहीं जाना है, गाना चलाते हुए नहीं जाना है, मार दिए जाओगे इत्यादि इत्यादि बहुत सारी चीज। उसके बाद उन्होंने उन लड़कों से पूछा कि अच्छा तुम लोग क्या चाहते हो कि तुम्हारे यहाँ की जो लड़के तुम्हारी जो बहने हैं तुम्हारे साथ जो लड़कियां हैं वो भी बैठी हुई थी कमरे में नहीं, उनको कैसे रहना चाहिए। सब लोग तुरंत लाए इसे बोले लड़कियों को सर झुका के रहना चाहिए, लड़कियों को ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, वैसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, तमाम चीज। उसके बाद उन्होंने हल्के से उनसे पूछा तो इन लड़कियों के लिए तो तुम जाटोगे ना, कुल मिला करके क्या है। तो यही बात जो है ये सभी कम्युनिटीज पर लागू होता है कि आप मतलब अगर किसी इस माइनॉरिटी यूथ को अगर प्रोफाइल किया जाए, अगर उनको कहा जाए कि तुम दाढ़ी रखोगे तो तुमको जो है कहीं पर हम नौकरी में पुलिस में नौकरी करने नहीं देंगे, तमाम चीजें तुमको तुम्हारे साथ में ये मारपीट को हम मार के चलेंगे, तुम आतंकवादी हो, तुम्हारे साथ में ये करेंगे वो करेंगे, बिल्कुल गलत बात है, भयानक बात। लेकिन किसी की आइडेंटिटी के लिए उन्होंने दाढ़ी है इसलिए ये जस्टिफाइड नहीं हो जाता है कि उनको आप आतंकवादी समझो, उनको मारो पीटो जो भी करो, लेकिन उसी तरह से सोचना होगा ना कि मैंने आप अगर आप कैसे मान के चलोगे अपने यहाँ की आपको जो फुल अधिकार चाहिए, फुल राइट्स चाहिए, उन्हीं उस सारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ये तो सब हर महिला को भी चाहिए, आपके समुदाय की लड़कियों को भी चाहिए,